एक नहीं दो नहीं बल्कि एक महीने में 5 बार सांप ने काटा। सांप के डर से हुआ अस्पताल में ही भर्ती, बोला घर नहीं जाऊंगा। घर छोड़कर गया दूसरे गांव, वहां भी नाग देवता ने नहीं छोड़ा पीछा, दौड़ा कर काटा। बचपन में खूब कहानियां सुनी है कि अगर सांप को आपने नुकसान पहुंचाया है तो वो अपना बदला लेकर रहता है। बचपन में दादी नानी से बदले की इन कहानियों को सुना तो बहुत है, पर कभी इन पर यकीन नहीं कर पाए। लेकिन अगर असल जिंदगी में आपको एक ऐसे मामले के बारे में बताएं जहां सांप बिना कोई नुकसान पहुंचाए ही शख्स से बदला लेने पर तुला हुआ है। सांप का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे के पसीने छूटने लगते हैं। कहीं अगर गलती से किसी को सांप ने काट लिया तो फिर उसे यमराज के साक्षात दर्शन ही नजर आते हैं। लेकिन अगर आपको ये सांप एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बल्कि एक महीने में पूरे 5 बार का काटे तो? जी हाँ दोस्तों, मामला उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सौरा गांव का है। फतेहपुर के रहने वाले 24 साल के विकास दुबे को एक नहीं दो नहीं बल्कि एक महीने में पूरे 5 बार सांप ने डसा है। 5 बार सांप के काटने के बाद भी विकास हर बार इलाज के बाद जिंदा बच जाते हैं। विकास ने खुद बताया कि 2 जून की रात बिस्तर से उतरते हुए पहली बार उन्हें सांप ने काट लिया था। घर वाले आनंद फानंद में पास के प्राइवेट अस्पताल ले गए जहां उनका इलाज हो गया और वो 2 दिन में ठीक होकर बाहर आ गए। घर वालों को लगा होता रहता है, लेकिन 10 जून की रात को विकास को फिर से सांप ने काट लिया। इलाज के बाद विकास फिर से ठीक हो गए, लेकिन अब वो सांपों को लेकर पहले से सतर्क हो गए। उसके 1 हफ्ते बाद विकास को घर में ही सांप ने फिर से डस लिया। अब घर वाले भी विकास के सांप सीढ़ी के खेल से परेशान हो गए और दहशत में आ गए। हद तो तब हो गई जब 4 दिन बाद विकास को फिर से सांप ने काट लिया। अब घर वाले जिस अस्पताल में विकास को लेकर जा रहे थे वहां के डॉक्टर ने भी हाथ जोड़ लिया और बोले कि इन्हें कुछ दिन के लिए कहीं और भेज दो, यहां उनकी जान को खतरा लग रहा है। डॉक्टर की सलाह से घर वालों ने विकास को राधानगर में उनकी मौसी के पास रहने के लिए भेज दिया। सब लोग निश्चिंत हो गए थे कि फिर से हो गया बवाल। कुछ दिन बाद विकास को मौसी के घर में भी सांप ने काट लिया। अब 5वीं बार सांप काटते ही घर वाले उन्हें अस्पताल लेकर दौड़े और उनके कुंडली में बैठे सांप के डर से उन्होंने विकास को अस्पताल में भर्ती ही कर दिया है। इस घटना को लेकर गांव में चर्चा का माहौल है, सभी तरह तरह की बातें बना रहे हैं। कोई कोई कह रहा है कि उनकी कुंडली में नाग दोष है तो कोई पितृ दोष बता रहा है। अब दोष कोई भी हो, विकास की तो जिंदगी खतरे में आ चुकी है और घर वाले भी दहशत के माहौल में जी रहे हैं। अब बस ऐसे में इतना ही कह सकते हैं कि विकास जी को आस्तीन के सांपों से दूर ही रहना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि उन्हें अब अस्पताल में आकर सांप ना काटे।